हेलो दोस्तों, देवलोक माय व्लॉग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज जो है बृहस्पतिवार का दिन है और होली की जो तैयारियां हैं लोगों ने शुरू कर दी हैं। हम तो अपने कॉलेज में ही हैं और अभी अभी जस्ट कॉलेज छूटा है, अभी 4:30 बज रहे हैं और मैं वापस अभी अभी कॉलेज से आया हूँ। घर सारा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, वो समेटना है। इसके अलावा आज दिन में क्योंकि लंच वंच नहीं किया है, सुबह भी ब्रेकफास्ट हल्का ही किया था तो काफ़ी भूख भी लगी हुई है, तो आज कुछ इवनिंग स्नैक्स जो लाइट भी हो और हेल्दी भी हो ऐसा कुछ बनाने की सोच रहे हैं। और मेरे एक मित्र जो है वो आने वाले हैं, वो आएंगे और आके बताएंगे कि क्या उनको पसंद है और इस समय क्या बनाना है, तो उस लाइट चीज़ की तरफ हम चलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि स्नैक्स के बाद हम इवनिंग वॉक पे भी निकलेंगे और फिर शाम को अपने मित्र आशीष जी के वहाँ जाएंगे। आज भोजन पे उन्होंने आमंत्रित किया है, तो आज जो भोजन है शाम का उन्हीं के साथ है। तो साथियों, मैं अपने किचन की तरफ जा रहा हूँ और किचन में कुछ भी बनाने से पहले मैंने पहले साफ सफाई देखनी पड़ेगी। उफ, इतने सारे बर्तन ऐसे ही मैले पड़े हुए हैं। सुबह जल्दी क्लास थी तो जल्दी भागना पड़ा तो मैं कुछ काम कर नहीं पाया। तो सबसे पहला काम क्या है कि यूटेंसिल जितने हैं सारे के सारे ये साफ किए जाएं, उसके बाद कुछ बनाने की सोची जाए, तब तक हमारे मित्र भी आ जाते हैं। चलिए बर्तन धोते हैं पहले। तो साथियों, जब आपने पोहा बनाना हो तो पोहा बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पोहा में डाला जाता है वो होता है कड़ी पत्ता। तो ये कड़ी पत्ते का पेड़ है, हालांकि ये पत्ते अब सूख रहे हैं, इसका सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी इससे हमारा काम तो ज़रूर चल जाएगा। नारियल की चटनी में भी इसको डाला जाता है, बहुत अच्छा लगता है। पर्टिकुलरली मुझे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। और फॉर्चुनेटली कि जो हमारे स्टाफ क्वार्टर्स हैं बिल्कुल ठीक मेरे कमरे के नीचे, जो क्वार्टर नंबर 8 ऊपर इस समय आपको दिख रहा है, ये मेरा रेजिडेंशियल क्वार्टर है जो कि मुझे यहीं कैंपस के अंदर है मेरे पास, ठीक है। और इसी के नीचे अगर आप उतर के आते हैं सीधे तो ये कढ़ी पत्ता का पेड़ आपको यहाँ पे मिलता है और अक्सर हम यहीं से कढ़ी पत्ता तोड़ते हैं अपने काम के लिए। तो आइए इसको तोड़ते हैं। थोड़ा ऊँचाई पर है, हाथ बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, और क्योंकि मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है तो मैं सिर्फ 3-4 कढ़ी पत्ता यहाँ से ले लूँगा और ये मेरे लिए सफिशियंट हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और कड़ी पत्ता तोड़ते हुए हम वापस जा रहे हैं। बैकग्राउंड में देखिए आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, होली गा रहे हैं बच्चे। तो उधर अगर आप देखें कहीं पर बहुत थोड़ा सा, क्योंकि तो मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये वहाँ पर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, होली गा रहे हैं। तो ये साथियों कड़ी पत्ता है जो मैंने धो लिया है, और अगर इसको स्मेल करें बहुत बढ़िया खुशबू इसमें से आ रही है। तो अगर आप चाहें तो इसका तेल भी निकाल सकते हैं, कड़ी पत्ते में एसेंशियल ऑयल होता है और एसेंशियल ऑयल होने की वजह से इसका तेल भी निकाल सकते हैं जो दूसरी जगह यूज किया जा सकता है, हालांकि डिफिकल्ट है। अच्छा, आप लोग ये जरूर कह सकते हैं कि मैं इसका तेल निकालने की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो रिसर्च फील्ड रहा है वो एसेंशियल ऑयल्स ही रहा है नेचुरल प्रोडक्ट के साथ साथ। तो कभी भी मैं एरोमेटिक प्लांट्स अगर कोई भी देखूँ या ट्रीज देखूँ जिसमें से कुछ एरोमा आ रहा होता है तो मेरे को लगता है कि इसमें से ऑयल निकालना चाहिए। हालांकि ये आउटडेटेड काम है, लोग पहले कर चुके होंगे, लेकिन जो लोग एसेंशियल ऑयल पर रिसर्च कर रहे हैं या जिनके पास कोई आइडिया बहुत बढ़िया नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो लोकेशंस हैं उन लोकेशन से कड़ी पत्ता ले सकते हैं। जैसे अल्टीट्यूड चेंज कर लिया, मान लीजिए एक आपने भीमताल से ले लिया, अगर हल्द्वानी मिल रहा है एक आप वहाँ से ले लीजिए, ऐसी कई जगह से ले लीजिए और इसमें से एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और इसका प्रोफाइल देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स और कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। सेस्क्विटर्पिन्स मोनोटर्पिन्स जनरली इसमें होते हैं किसी भी एरोमेटिक प्लांट में, तो कंपैरिजन कर लीजिए, कंपैरेटिव स्टडी भी इससे करी जा सकती है, एक आइडिया ये जरूर लग सकता है। फिर आप इसकी बायो एक्टिविटी वगैरह देख सकते हैं और बायो एक्टिविटी वगैरह देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल सकती हैं। फिलहाल मेरा काम बायो एक्टिविटी देखना नहीं, पोहा बनाने की तैयारी करना है। चलिए प्याज काटते हैं, बाकी तैयारी करते हैं, मित्र भी आते ही होंगे हमारे।
तो साथियों पोहा अगर आपने बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले 2 मिनट तक पोहा को आपने पानी में घोलना पड़ता है। लेकिन मैं इसको आज इस्तेमाल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे याद आया है कि स्पेशल आप देखिए साउथ इंडिया से, बेसिकली जो मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है तो वो साउथ इंडिया से ये पोहा लाई थी, तो ये पोहा मुझे ज्यादा बेहतर है, तो आज हम इसी को बनाएंगे। तो डायरेक्ट टैप वाटर में ही मैंने इसको डाल दिया है, नल से जो सीधे सीधे सप्लाई टैंक से आ रही है उसी को हम यूज कर रहे हैं। तो घी में हम इसको बना रहे हैं साथियों, थोड़ा सा घी इसमें डालेंगे। अब वैसे आप इसमें ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है अगर हेल्दी चीज बना रहे हैं तो थोड़ा सा अगर घी इसमें डाल लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत ज्यादा घी आपने इसमें नहीं डालना है, थोड़े घी से ही आपका काम चल जाएगा। लो फ्लेम पे रखेंगे, बहुत ज्यादा कढ़ाई तेज करने की जरूरत नहीं है। वैसे कुकरी शो नहीं है, ये मेरा व्लॉग है, लेकिन फिर भी जब पोहा बना रहे हैं तो तरीका भी आप देख लें किस तरीके से बनाते हैं। क्योंकि भाई जिस तरीके से मैं यहाँ अकेले रह रहा हूँ, अभी फैमिली नहीं है, फैमिली घर में है, तो ये चीजें आपके लिए हल्के स्नैक्स के लिए, नाश्ते के लिए आपके लिए काफी जरूरी हो सकती है। अच्छा खासा गर्म हो गया है ये, अब इसमें हम थोड़े से मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे, राई के दाने, क्योंकि बिना राई के दानों के मजा नहीं आता है पोहा में कभी भी। फिर इसमें डालिए प्याज। देखिए अब अपने टेस्ट के हिसाब से प्याज के अलावा इसमें हम, और कई बार लोग टमाटो पोहा भी बनाते हैं और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, लेकिन मैं उतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ। लोग तो एग पोहा भी बनाते हैं, ठीक है, तो वो किसी और दिन देखेंगे। आज हम सिंपल पोहा जो बना रहे हैं आपका, इवन इसमें मिर्च भी नहीं डालेंगे, क्योंकि जो हमारे मित्र ये बैठे हैं ना, इनको बिल्कुल भी मिर्च बर्दाश्त नहीं है, इवन हरी मिर्च भी काटने के लिए इन्होंने मना किया हुआ है इस तरीके से। और वैसे मेरी जिद थी कि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाएं, जो कि मैंने निकाल के थोड़े बहुत इसमें बादाम और मूंगफली रखे थे, लेकिन इसके लिए भी इन्होंने सख्त मना कर दिया है कि ये भी ऐड ना किए जाए इवनिंग टाइम पे, भैया हमें पसंद नहीं। तो अब इसका भी प्रोग्राम हमने यहाँ से हटा दिया है, हम सिंपल नॉर्मल पोहा यहाँ पे बना रहे हैं। थोड़ा इसको ब्राउन होने देते हैं। भिखारी बहुत ही, क्या कह रहे हैं साहब? अरे घी की खुशबू, और आपके पास 700-800 रुपए किलो घी जो दिख रहा है ना, सर ये तो देख के मैं गदगद हो गया हूँ। अब देखिए इस समय ऐसा था कि हमने सिर्फ एक आदमी के लिए पोहा बनाया था, लेकिन खाने वाले अभी इसमें 2-3, ये भाई तो हमारा पहले थाई था, हमारे ये भी आ गए हैं, और इसमें अब 2 हाथ लग गए हैं। अब इसका स्वाद देखिए, गजब हो जाएगा, इतना गजब हो जाएगा ये। तो इसमें डाल दिए अब सर, अब जब आ ही गए हैं आप, तो इसमें थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप स्पेशली जो कढ़ी पत्ता जो पहले नहीं डाला था लीजिए डाल देते हैं, ठीक है। अब बनाइए फिर, इसकी प्रोसीजर आप ही करिए, करिए इसको आप करिए। नहीं नहीं, आपका हाथ लग गया, सिर्फ पोहा डालना है, नमक मसाले और वो डालने हैं और भून देना है, करिए जरा, करिए प्लीज। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे मित्र यहाँ आ जाते हैं। कौशल भट्टी जी क्या ढूंढ रहे हैं आप, कुछ मिला ऐसा? अच्छा, अब क्योंकि इन्होंने ये रेसिपी का जिम्मा अपने हाथ ले लिया है, तो हल्दी इन्होंने पूछी है, ये घर की, ये भी घर की हल्दी है, इसको ध्यान रखेंगे आप, घर की हल्दी है बिल्कुल, अपने खेतों से निकाल कर इसको पीसा गया है एकदम भाई। हाँ भाई भट्ट सर, आपको कुछ मिला है स्पेशल आपको खाने लायक यहाँ से? क्या मिल गई है? बेरीज। क्या मिल गया है? बेरीज। अच्छा, ये मुझे खाने को मिल गया, मैं इसको खा रहा हूँ। ये बेरीज आपकी फेवरेट है लग रहा मुझे, चलो अच्छी बात है। स्पिनर समझ के वही तो तो ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया का इस समय मैच चल रहा है, तो उसमें ड्रीम इलेवन में सासर ने टीम लगाई थी और इन्होंने कैमरून ग्रीन ले लिया, और सोचा ये क्रिस ग्रीन है, क्योंकि ये बिग बैश देख रहे थे तो वहां क्रिस ग्रीन खूब विकेट ले रहा था, इन्होंने उसको वही समझ के ले लिया, गलती हो गई इनसे। लेकिन अपनी आदत के विपरीत भाई इसमें मिर्ची डाल रहे हैं, मिर्च वैसे खाते नहीं है। चलिए देखते हैं, हमारे नमक भी आ रहा है भैया, सासर के हाथ का पोहा है, अब तो गजब होने वाला है, तो गजब होने वाला है। अब क्योंकि अचानक से हमारे मित्र की डिमांड आ गई कि भाई पोहा तो मैं पसंद करता नहीं हूँ, कौशल भट्ट जी की डिमांड आई है, तो अब इनका काम जो है ब्रेड से ही चलाना पड़ेगा, ब्रेड और जैम ये इस्तेमाल करेंगे अपने लिए। तो मुकेश सर बड़े प्यार से अपने खास मित्र के लिए तैयार कर रहे हैं ब्रेड और जैम, और चाय इधर बिल्कुल तड़का, चाय का तड़का, देखो हमें नई टर्मिनोलॉजी आ रही, चाय का भी तड़का यहाँ पर आ चुका है, चाय उबल रही है, दिखने में तो अच्छी लग रही है, वैसे चाय तो मैं अच्छी बनाता हूँ ये। हाँ, और इस क्या नाम है ये जो 8 नंबर का जो रूम का इतिहास है, चाय यहाँ पर बेहतरीन बनती है।
हाँ, क्या आप क्या कह रहे थे, आठ नंबर का क्या इतिहास है? यहाँ चाय जैसी बनती है दुनिया में कैसे नहीं बनती है, हमारे प्रिय सर हुआ करते हैं। हाँ, मिस्टर जीके पल हमारे रजिस्ट्रार हुआ करते थे, जो अब रिटायर हो गए हैं, ये उन्हीं का रूम है बेसिकली। तो बाद में मुझको अलॉट हुआ है, लेकिन वो जो चाय बनाते थे उस चाय का मुकाबला। सर ये जीके सर मैं आपको भेज रहा हूँ, ये वाला आपने जरूर देखना है, जो बेहतरीन चाय बनाते थे आप ना, जब कंपटीशन होता था आप में और मुझ में कि ज्यादा घटिया कौन सी है, और आप जीत जाते थे सर उसमें, हमेशा जीत जाते थे आप। कौन ठंडा हो जाएगा भाई चाय? तो आगे बढ़ गई है। जैम की बॉटल खोलो पीछे भाई कौशल, ये देखिए दो दो तीन तीन हाथ लग के तैयारी करी जा रही है, उसके बाद भी ये ब्रेड जल रही है, कोयला खाने के लिए तैयार है आदमी, लेकिन फिर भी वाह, हमें देख के तो दुनिया चली है, ये तो ब्रेड ही है। यार ये तुमने बात बड़ी गजब कही है, हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन दुनिया हमसे इतनी जली है कि साला मतलब क्या कर दिया होगा हमने, ये हमारी क्वालिटी है, ये क्वालिटी है हमारी भाई, क्वालिटी है। आप लोग तो गजब कर दे रहे हैं यार भाई, बिना नींबू के बिना लेमन के तो फिर मजा आता ही नहीं है किसी भी तरीके से पोहे में। तो सासर ये है, लेमन काट रहे हैं और इसके बाद इसके ऊपर एक नींबू निचोड़ा जाएगा, वाह मजा आ जाएगा, बस नींबू निचोड़ेंगे आप। वैसे लग तो बड़ा है, वैसे टेम्पटिंग रहा है, देखो इसमें ये है, सुंदर लग रहा है। देखिए ये इसमें ऐसा है, जो ये हमारे मित्र है सासर, इनकी एक कैंप साइट है चौकम्पा कैंप साइट, उस चौकम्बा में मैं आपको एक बार ले जा चुका हूँ, दूसरी बार बहुत जल्दी मैं आपको वहां लेके जाने वाला हूँ, वहां पर जो रिनोवेशन इन्होंने किया है और इनके जो कुक हैं वो इन्हें नई नई चीजें सिखाते हैं। तो आज ये कोने में बिल्कुल जिसको कहते हैं कि चोचले करना, एक एक डाल और ये एक एक नींबू डाल रहे हैं, और ये चाय, हाँ ये कौन लाया है? अमिल आए हैं सर। बनाई किसने है ये? बनाई आइए बैठिए सर प्लीज। क्या कह रहे सर? स्टाइल है सर, खाने की मैंने सोचा पनीर है, नींबू के टुकड़े। ये तो ये सीख के आ रहे हैं ना अपने वहाँ कैंप साइट से, लेने की काफी जद्दोजहद के बाद ये जैम की जो बॉटल है इसको ओपन करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन ये सारी टेक्निक लगा चुके हैं और ये दोनों टेक्निकल आदमी है, टेक्निकल एजुकेशन लिए हुए आदमी है ये, लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि डब्बा खोलने की टेक्निक नहीं सीखी है भाई हमने कभी भी। एल यू जी लग कैप, ये आपकी मेडिसिन जब पैक करते हैं वहां पर होती होगी ना, हाफ ट्विस्ट से खुलती है एकदम से ना, लेकिन आप तो इसको हाफ ट्विस्ट के कितने ट्विस्ट कर चुके हैं, खुल गा रही है। मुझे तुम्हारा ये जो लग रहा है ना, तुम ठंडा हो जाएगा और तुमने जो इसको इतनी मेहनत से बना रखा है, सब वेस्ट हो जाएगा, इसकी चक्कर में मत पड़ो, इसको इधर लाओ। ये इतने लालायित यहाँ पर हो गए खाने को देख के, इतने टेम्प्ट, इनको इतना लालच आ गया है कि ये डब्बा खुलने का इंतजार भी नहीं कर रहे। ये असली ताकत तो यही है, असली भट्ट तो इन्होंने ही खाए है, गढ़वाली भट्ट इन्होंने ही खाए है सारे के सारे, चपटे गढ़वाल के भट्ट, छोटे और चपटे। नहीं बढ़िया हो रहा, थोड़ा सा नमक कम। कौन कौन सी एजेंसी है तुम्हारे? नमक की एजेंसी, सॉल्ट की, तो वो ये देते हैं। सुनो पवन कुमार बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कले संकट के हम पर निवास मन करो के आज पर सभा को किया रे सभा को। शाम हो चली है, इवनिंग वॉक का प्लान तो आज हमारा लगभग कैंसिल हो गया है, आज हम अपने मित्र आशीष बिस्टी के घर जा रहे हैं, तो वहीं चलते हैं और मिलते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। योगेश भाई कैसी तबीयत है, तुम क्या ऐसे घबराहट में बिल्कुल यार, तुम्हारी भरी जवानी और तुम इन्फेक्शन लेके बैठ गए हो, क्या हो गया तुम्हें ऐसा? पता नहीं अल्टीमेटली क्या हो गया देने में। आशीष सर क्या कराया तुमने इनको? ये बड़े आदमी है, चलो ऊपर बात करते हैं चल के तुमसे। देखिए अब देवलोक माई व्लॉग इतना फेमस होते जा रहा है कि भाई लोग देखिए चाय पे चर्चा देख रहे हैं, भाई हमारे जो फैन फॉलोइंग है बढ़ती जा रही है, ये बता रहे हैं हमें कि हम देख रहे हैं आपकी वीडियो। धन्यवाद योगेश भाई, आप भी हमारी फैमिली के एक मेंबर हैं।
चलने लगो योगेश भाई, अगर तुम नहीं चलोगे तो फिर दवाइयाँ चलने लगेंगी। दवाइयाँ चल रही है उसकी, दवा की। आशीष जी वैसे इस रूट में भी ये गाड़ी चलाना तुम्हारे ही बस का है यार, ये मतलब बुलेरो जैसी भारी गाड़ी तुम जरा सी, मतलब यहाँ से मैं बाइक लाने में भी घबराऊं। तुझे पता है इसके बचपन का सपना क्या था? मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। वैसे ना आपके यहाँ से सामने देखो ना, ये जो सामने दिख रहा है ना, ये भीमताल का एरिया। खैर नैनीताल तो यहाँ से दिखता नहीं, वो पीछे हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन ये रात को लगता सुंदर है। अगर जैसे मान लो मेरे पास हाई डेफिनेशन कैमरा हो ना, अगर मतलब प्रॉपर वीडियो शूटिंग के लिए, तो अच्छा वीडियो आ सकता है यहाँ से। लेकिन गरीब तो मोबाइल से ही काम चला रहा ना अभी। आशीष जी के घर में प्रवेश, और प्रवेश करते ही यहाँ पे धुएं की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। नहीं नहीं, ये धुआं वाला है जो उधर फर्नेस में आप आग जलाते हैं भाई, एक नंबर की लकड़ी से। और ये है हमारे प्यारे डब्लू, ये है हमारे प्यारे डब्लू, वो मुझे ही मारता है। अदरक है इसमें? अदरक भी है। हाँ अदरक अपने आप में काफी है। आइए गुरुजी, यार तुम तो बिल्कुल गायब ही हो गए सीन से। क्या है ऐसी ऐसी क्या नाराजगी है हमसे? मतलब आपको फोन कर करके बुलाना पड़ रहा है। बैठिए सर, योगेश ने आपके सम्मान में एक चेयर लगा दी है। योगेश चाय पिलाओ यार, वही गुरुजी यार। योगेश चाय? क्या बात, चाय ले आओ सर। नहीं नहीं, सन्यासी तो आप पहले से ही है, सब छूटा होने के। देखो ऐसा है ना, ये जाना है वीडियो, तो इसको इसमें आप सब छूटा में लोग गलत लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है पंजाबी आदमी है तो बिना दूध दही के उसका काम चलता ही नहीं। दूध भी नहीं पी रहे हो क्या आजकल? दूध घी? हाँ नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, सब जानते हैं आपको। खैर आपको तो देखते ही लगता है सौम्य सुशील सभ्य आदमी है। कोफ्ते वैसे लौकी के ही होते हैं कि मलाई का भी बना सकते हो आप लोग ना? जिसके जीवन में कोफ्त बिल्कुल ऐसे पीछे पड़ी हो तो वो कोफ्ते ही खाता है। तो लौकी के कोफ्ते योगी भाई ने आज हमारे लिए बनाए हैं यहाँ पे। आज आज तीरथ सर जी नहीं खाएंगे, रोटी तो खा लेते हैं, चलना अच्छा लगता है। तो इसी इम्पोर्टेंट काम के लिए मैं वैसे तो अक्सर आता हूँ, मित्र है हमारे ये, लेकिन ये किताब दो इन्होंने मुझे देने का वादा किया था। मेरे को भी कुछ पढ़ने का शौक जागा है तो मैं इनसे ले जा रहा हूँ। स्टैंडर्ड है भाई किताब तो, बढ़िया लग रही है। अगर आपको जानवरों का आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानना है तो इंडियन मैमल्स बहुत अच्छी किताब है, विवेक मेनन जी की बहुत ही बढ़िया किताब है। फील्ड गाइड है बेसिकली, वाइल्ड लाइफ लवर्स हम लोग कैरी करते हैं जब स्टार्टिंग में नए नए मेंबर्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको जिम कॉर्बेट की लीजेंडरी कहानियां और यहाँ पे जो मैनिटस थे उनके बारे में पढ़ना है तो ये पूरा कंपाइलेशन है जिम कॉर्बेट की किताबों का। अच्छा अच्छा, मैनिटस ऑफ कुमाऊं, मैनिटस ऑफ कुमाऊं, नहीं मैनिटस ऑफ कुमाऊं, इसमें तीनों किताबें हैं इसकी, इसमें कंपाइलेशन तीनों का है। टेंपल टाइगर भी है और मैनिटिक लेपर्ड भी है वाला। तो आई शुड स्टार्ट विद दिस इंडियन मैमल्स। इंटरेस्टिंग स्टोरीज इसमें है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए किताब है, ये आपको मजा तब आएगा जब आपको थोड़ा इंटरेस्ट जागेगा। इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा सर जी। चलिए थैंक यू, मैं पढ़ के वापस करूंगा कुछ सालों बाद इसको जी, क्योंकि अभी तो हे राम का वो रोज रोज श्रीवास्तव जी का फेसबुक आ जा रहा मैसेज कि सर इसको पढ़ के अमेजोन पे रेटिंग जरूर दीजिए इसकी। मैंने कहा अभी शुरू ही नहीं करी। पढ़िए पढ़िए इसको, भाई दीजिएगा। अच्छा सर, बाय बाय, थैंक यू। तो कल तो मिलेंगे चाय पे दिन में या नहीं? कल आइए दिन पे फिर, ठीक है सर, बाय बाय, थैंक यू। तो साथियों आशीष जी के घर से भोजन करने के उपरांत रात्रि का, अब मैं अपने कैंपस की तरफ आ गया हूँ, अपने कॉलेज में अंदर जा रहा हूँ। रात को अगर आप देखें तो हमारा कैंपस काफ़ी सुंदर लगता है, आप घूमने के लिए भी इसमें जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि विंटर्स अभी पूरी तरीके से गए नहीं हैं तो यहाँ पर लेपर्ड का खतरा हमेशा बना रहता है। तो अगर हम ज़्यादा नीचे जाएंगे या उधर उधर जाएंगे तो दे में भी अ चांस के कहीं से लेपर्ड आप निकल जाए, अटैक करे ना करे वो एक अलग बात है। तो साथियों आज की शाम आशीष जी के वहां गुजारने के बाद अब मैं अपने कमरे में आ चुका हूं, और अब मेरा विचार है कि थोड़ी पढ़ाई की जाए या कुछ नोट्स वगैरह बनाए जाए या कुछ लेक्चर की तैयारी की जाए अपने दूसरे चैनल के लिए। और आपसे मिलते हैं किसी अगले अच्छे और ऐसे ही व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और देवलोक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, और मेरे पहले के वीडियो भी देखें, आपको खासा पसंद आएगी मेरी व्लॉगिंग, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।